वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सामने खतरी पहाड़ी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिवाली वाला ब्लॉग दिखाऊंगी। ब्लॉग काफ़ी लेट ला रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी आजकल, इसीलिए ब्लॉग नहीं ला पाई। इसके लिए आप सभी से थोड़ा सॉरी कहना चाहूँगी। और देखिए किस तरह से गाँव में दिवाली मनाई जाती है, आज आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी, आप पूरा ब्लॉग जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी दिवाली तो बहुत अच्छी रही और आशा करती हूँ आपकी भी बहुत अच्छी रही होगी, तो पूरा ब्लॉग जरूर देखना दोस्तों, बने रहें ब्लॉग के साथ। ये हमारे घर के आगे वाला घर है और यहाँ का तो काम कम्प्लीट हो गया है और अब हम जाएंगे भैया लोगों के घर। ये हम भैया के घर आ चुके हैं बगल वाले घर में, और ये दोनों घर हमारे बगल वाले घर हैं। यहाँ की रौनकें आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सजावट हो रखी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये है लाइट्स और ये है भैया जिनका ये घर है, और इन्हीं के घर में इनकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले जो मैंने शादी वाले ब्लॉग डाले थे। और ये देखिए इनके घर में कितनी सुंदर सजावट हो रखी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। जिन लोगों ने शादी वाले ब्लॉग नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ जाके मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें, मेरे चैनल में जाके मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें प्लीज़। और ये लोग यहाँ पर अभी फ़ोटो खींच रहे हैं मेरी। दोस्तों, तो अब हम अपने घर में आ गए हैं और यहाँ पर भी दिए वगैरह जल चुके हैं और लाइट्स भी जल चुकी हैं। और ये देख सकते हैं आप, हमने बड़ी वाली लाइट नहीं जलाई क्योंकि उससे ट्यूबलाइट की चमक उतने अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो ये देख सकते हैं आप, डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। और ये मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है दिवाली के दिन। दोस्तों, ये लक्ष्मी पूजन वाला दिन है और लक्ष्मी पूजन के दिन गांव में सभी लोग दिए और ट्यूबलाइट्स वगैरह जलाते हैं और लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं, और सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ और पूरी पकौड़े वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं और हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। दिवाली भगवान रामचंद्र के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। जब भगवान रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो सभी अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी, और उसके बाद हमेशा से हर साल दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन ही भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे यहाँ पर कैंडल के साथ फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो भी बना ली, और अब इसके बाद मैं पटाखे फोड़ूँगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों, देखते हैं तो बने रहें ब्लॉग के साथ और ब्लॉग एंड तक जरूर देखें। और ये यहाँ पे मम्मी ने
फुलझड़ी चलाने से पटाखे फोड़ने की शुरुआत कर दी है। मम्मी तो सिर्फ फुलझड़ी जलाती है और पटाखे तो मैं ही फोड़ती हूँ। ये यहाँ पे लक्ष्मी पूजन का प्रसाद है और कुछ पटाखे हैं जिनको मैं फोड़ने वाली हूँ। ये माता लक्ष्मी के पद चिन्ह हैं। तो दोस्तों, मुझे पटाखे फोड़ने से इतना डर लगता है कि मैं पहले अखबार जलाती हूँ, फिर उसके बाद पटाखे रखती हूँ ऊपर से और ऐसे करके पटाखे जलाती हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे घिरनी जला रही हूँ जो कि बहुत टाइम से जली नहीं रही है, तो देखिए दोस्तों कब तक ये जलती है। अखबार जला के मैंने ऊपर से घिरनी रखी थी और उस पर आग पकड़ने में टाइम लग रहा होगा, देख सकते हैं आप। घिरनी जल चुकी है। ये है मून स्टार। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।